ऑफिस बाहर है। हेलो गाइज, आई होप एवरी वन इज डूइंग ग्रेट। अच्छा भाई, आप लोगों को रिसेंटली पता है कि मैं अभी बिल्कुल जो है वो कनाडा में लैंड कर रहा हूँ। दिसंबर 15 दिसंबर की फ़्लाइट थी, कुछ ही दिन हुए हैं यहाँ पे। और पीछे आप देख रहे हो सारा, ये सारा मेरा बैकयार्ड है, पूरी बर्फ़ बर्फ़ से ढका हुआ है। यहाँ पे ये जो है पौधा पौधा है, ये सारा ढका हुआ है सारा। अच्छा यार, आज की वीडियो का टॉपिक ये था कि भाई मेरे साथ 350 इंटरनेशनल स्टूडेंट, मतलब 350 इंडियन इंटरनेशनल स्टूडेंट जो है मेरे साथ ट्रैवल करें फ्लाइट के अंदर, खाली फ्लाइट के अंदर फॉर वैंकूवर। और मुझे जो मेरी फ़्लाइट थी वो थी कराची से बैंकॉक, और फिर बैंकॉक से मेरी थी वैंकूवर। तो यार बैंकॉक एयरपोर्ट पर मुझे तकरीबन जब मैं फ़्लाइट बोर्ड करने वाला था उस वक्त, यार इतने सारे वेटिंग एरिया में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, और कहाँ गए? इंडिया गए। अब आप लोगों को सबको पता है कि यार मेरी वाइफ का रिसेंटली जो है स्पाउसल ओपन वर्क परमिट लगा, वो मेरे साथ ट्रैवल कर रही थी। एंड शी वॉज लाइक कि यार शजी हम लोग कहाँ जा रहे हैं? तो मैंने कहा हम लोग कनाडा जा रहे हैं। तो बोलती है इतने इंडियन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, और मेजोरिटी ऑफ देम आर पंजाबी। उसमें लड़कियां भी थी, लड़के भी थे, सारे मिक्स विक्स थे, बट आई वुड स्ट्रॉन्गली से कि भाई बहुत सारे इंडियन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स थे। अच्छा, इससे ये बात पता चलती है, कि हमारी कंट्री के जो मैं फ्लाइट के अंदर था तो मैं वाहिद बनना था कि पाकिस्तानी पासपोर्ट के साथ था। मुझे और कोई वाहिद बनना नहीं दिखा जिसके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट हो। एक होता है यार, आप चल रहे हो तो एयरपोर्ट पर आपको दिख जाएगी, चलो ये पाकिस्तानी है, ये पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर है। मैं देख रहा था सारे ऑलमोस्ट एयरपोर्ट पे जो हम लोग जिस फ्लाइट के लिए जा रहे थे, जिस फ्लाइट पर हम लोग बोर्ड कर रहे थे एयर कैनेडा के लिए फ्रॉम बैंकॉक टू वैंकूवर, उसमें सारे बंदे यार, मतलब ऑलमोस्ट हमारा जो जोन था, जोन 3, 4, 5, ये तीनों जोन में हम लोग जा रहे थे। मैं भी एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, मतलब वर्क परमिट पे था, और बाकी सारे नए नए इंटरनेशनल स्टूडेंट, मतलब कुछ ऐसे थे जो रिटर्निंग थे और कुछ उसी के बाद यार वाइफ ने सवाल पूछा कि भाई क्यों ऐसा क्यों है कि यार वाकई इतने इंडियन इंटरनेशनल स्टूडेंट जो हैं वो ट्रैवल करते हैं और खाली कुछ मतलब ना होने के बराबर पाकिस्तानी। इवन मैं अपने वाइफ का भी जो है वीज़ा का जो प्रोसेस है, उसका जो टेन्योर है, वो नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करूँगा कि भाई मैंने कैसे फाइलिंग की थी, क्या डॉक्यूमेंटेशन की थी, A to Z सब बताऊँगा। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि भाई, तो इंस्टाग्राम पर आप लोग फॉलो करो, मेक श्योर डू फॉलो मी ऑन फेसबुक एंड यूट्यूब सेल पे सब्सक्राइब जरूर करके जाओ, ठीक है? तो उसमें ऑब्वियसली यार जितनी चीज़ें कंसिडर कर सकता हूँ पता है वो करते हैं। अब दो तीन सवाल हैं यार इधर खड़े होते हैं कि भाई क्या है और कैसे प्रोसेस चल रहा है, ठीक? अच्छा भाई, ये तो जो इंडियंस हैं उनके लिए ये गुड न्यूज़ है, और जो पाकिस्तानी हैं उनके लिए ये बैड न्यूज़ है। क्यों? क्योंकि यार देखो, पाकिस्तानी जो है ना वो ये माइंडसेट लेके चलते हैं कि हमें जो है वो वीज़ा हाथ पे मिल जाए और हम लोग उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन के लिए कोई काम ना करें। देखो यार, अगर बहुत सारे लोग ना मुझसे डिसएग्री करेंगे, कुछ होंगे वो एग्री करेंगे। देखो इंडिया एक बड़ी इकोनॉमी है, और चाइना के बाद इंडिया में, मतलब कनाडा में इंडिया का सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं। ड्यू टू कोविड चाइना जो है वो कम हो गया, क्योंकि कोविड का चक्कर आ रहा है, सारा ये सारे प्रॉब्लम्स थे, लेकिन इंडिया के अभी भी बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। अब तुम ये सोचो खाली कि अगर एक फ्लाइट में 300-350 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो है वो मेरे साथ बोर्ड कर रहा है, तो यार खाली मतलब ऑब्वियसली मेंटेलिटी जो है वो ये कैसे कह सकती है कि यार मतलब ऑब्वियसली इतना सारा स्टूडेंट्स। अब सोचो कि यार एक दिन में कितना स्टूडेंट्स ट्रैवल करता होगा, और ये सोचो कि यार एक महीने में कितना इंडियन इंटरनेशनल स्टूडेंट ट्रैवल करता होगा। तो इट मीन्स कि जो इंडियन जो लोग हैं और उनके जो वीज़ा जो रिजेक्ट हो रहे हैं, आप लोग रीफाइलिंग करो। और मेक श्योर गाइस कि आप लोग यहाँ पे, मैं अपने सेशन का भी लिंक दे दूंगा, अगर आप लोग 1-to-1 सेशन बुक करना है, रिफ्यूजल है कुछ है, क्योंकि 2015 में मेरा भी रिफ्यूजल हुआ था। तो अगेन वही वाली बात सारी करते हैं कि भाई बहुत सारे इंडियन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के वीज़ा लग रहे हैं, पाकिस्तानी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के वीज़ा लग रहे हैं, बट वो नोटिसेबल इसलिए नहीं होते क्योंकि लोग आके बताते नहीं हैं कि उनका वीज़ा कैसे लगा है। अब आप किसी भी, फॉर एग्जांपल, अभी मैं पाकिस्तान गया था थोड़े सा पहले, मैं अपने भाई के साथ गया था एक कंसल्टेंट के पास कि भाई इमिग्रेशन का क्या सीन है। तो उन भाई साहब ने स्टार्टिंग का जो प्रोसेस है ना उसी में 2.5-3 लाख रुपये मांग लिए। और मैं कहता हूँ कि यार वीज़ा मैंने खुद फाइल किया, आप खुद फाइल कर सकते हो, मैंने स्पाउस का पूरा प्रोसेस खुद किया है। और यहाँ पे बंदा एक रहते थे हमारे, जो मेरे पहले रूममेट थे, उन्होंने वीज़ा फाइल किया इंडिया के लिए, मतलब इंडिया से उनके जो है वो वाइफ थी, स्पाउसल वीज़ा फाइल किया, उनका रिजेक्ट हो गया। मैं ये नहीं कह रहा कि यार मैं वीज़ा फाइल करूंगा तो एक्सेप्ट हो जाएगा, मेरे कहने का मकसद ये, हर चीज़ की डॉक्यूमेंटेशन का एक तरीकेकार होता है कि आप कैसे डॉक्यूमेंटेशन करते हो। अब जो बच्चे आ रहे हैं उनके डॉक्यूमेंटेशन भी तो सही है ना, इसका मतलब ये थोड़ी कि इंडिया से वीज़ा नहीं लग रहा, पाकिस्तान से वीज़ा नहीं लग रहा। कनाडा को ये नहीं पता इंडिया पाकिस्तान क्या, कनाडा को ये पता है कि भाई जिसकी डॉक्यूमेंटेशन क्लियर है, आपने डॉक्यूमेंटेशन फाइलिंग वगैरह बिल्कुल ठीक करी है। भाई देखो, बहुत ज़रूरी हो रहा है कि आप गाइडेंस लो, जो लोग पहुंचे हुए हैं उनसे गाइडेंस लो। हमारे जो लोग हैं, टू बी ऑनेस्ट, हमारे पाकिस्तानी जो लोग हैं ना वो एक्सेप्ट ही नहीं करते कि दूसरे लोग आए। इंडियंस के अंदर मैं रहा हूँ, 1.5-2 साल का मेरा एक्सपीरियंस है यहाँ पे कनाडा में इंडिया लोगों के साथ, भाई वो अपने लोगों को बहुत सपोर्ट करते हैं, अपने लोगों को बहुत प्रमोट करते हैं। इवन एयरपोर्ट पे जब मैं लैंड करा, वही जो मेरे साथ थे उनके जो रिश्तेदार थे वो आए थे, एयरपोर्ट तक आए थे, यहाँ पे हमारे वालों के आते नहीं अनफॉर्चुनेटली। तो यार ये बहुत ही ना जो छोटे छोटे बेसिक डिफरेंस है, अपने जो यहाँ पे कनाडा में जो इंडियंस हैं वो अपने वालों को प्रेफर करते हैं, सपोर्ट करते हैं, फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, लोन देते हैं रिश्तेदार, हमारे वाले लोगों को लोन नहीं देते,
इवन यार मैं तो काउंसलिंग सेशन करता हूँ ना, मैं तो लोगों से इंटरेक्ट कर रहा हूँ डेली बेसिस पे, मुझे पता है कि इंटरनली क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो यार ये अब एक मैं कहूँगा इंडियंस वालों के लिए ये एक पॉजिटिव वीडियो है, लेकिन फॉर पाकिस्तानीज टू बी ऑनेस्ट एक नेगेटिव वीडियो है। क्यों? क्योंकि यार हमारे वीज़ाज नहीं लगते, मुझे पाकिस्तानी एयरपोर्ट पर भी लोग तंग करते हैं। आप दूसरे आप अपनी अपनी एयरपोर्ट पर आप लोगों को तंग करते हैं, तो आप अपने दूसरों के एयरपोर्ट पर जाके अपने पासपोर्ट के साथ तो तंग ही होगी ना यार, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, आपकी सारी चीज़ें क्लियर होती हैं, उसके बावजूद आप लोग को तंग करते हैं। क्यों? आपका पासपोर्ट, मेरा पासपोर्ट डेगा बोलता है बैंकॉक एयरपोर्ट पर आओ यार आप जूते उतारो, इंडियन वाले पासपोर्ट जाओ यार आप जाओ यार, मतलब ऑब्वियसली बात है थोड़ा बहुत हमारे साथ है। अब है इट्स ओके, कोई बात नहीं, इट्स ओके कोई बात नहीं, लेकिन बात ये जहन में रखें कि आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट यू गाइज कि भाई अगर मूव आउट कर रहे हो 2.5-3 लाख रुपए, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख अपने इमिग्रेशन कंसल्टेंटों को पाकिस्तान में दे रहे हो, अगर वो पाकिस्तान में बैठे हुए उन लोगों के पास कैनेडियन पासपोर्ट नहीं है, नेशनलिटी नहीं है, तो वो फिर आपके कनाडा का वीज़ा फाइल नहीं कर सकते। 2015-16 में जब मैंने वीज़ा फाइल करा, जो वो कंसल्टेंट जो था वो यूके का स्पेशलिस्ट था, लेकिन वो कनाडा का भी वीज़ा फाइल कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया का भी कर रहा है, हर जगह का कर रहा है, उसको उसने मेरा कनाडा का वीज़ा फाइल करा यूके की तरह, रिजेक्ट हो गया। क्या कर सकता था? इस दफ़ा मैंने खुद वीज़ा फाइल किया, समझा कैसे करते हैं, क्या नहीं करते, क्या चीज़ें सारी, बाकी सारी वीडियोस मैंने बना के भी रखी हैं अपने यूट्यूब चैनल से, इनफैक्ट फेसबुक पे भी काफ़ी चीज़ें वीडियोस वगैरह हैं वो बना के रखी हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, अगर आपको कोई भी क्वेरी वगैरह है कमेंट डाउन ब्लू करें, और वो स्ट्रांगली से कि यार अगर आप लोग सेशन बुक करते हैं तो उसमें फ़ायदा ही होता है कि मुझे आपका केस टू केस हर किसी का डिफरेंट होता है। कोई साइंसेस के लिए आ रहा है, कोई इंजीनियरिंग के लिए आ रहा है, यार हर किसी का केस डिफरेंट है। एक चीज़ नहीं होती, किसी के आइट्स का इशू होता है, किसी का स्कोर कम होता है, किसी के पास फंड्स का इशू होता है, किसी के पास प्रोविंस देखने पड़ते हैं, मतलब यार बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें। तो इंडिया वाले इसलिए सक्सेसफुल हैं मेरे भाई, क्योंकि वो लोग प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करके आते हैं, और वीज़ा थोड़ा बहुत उधर से ईजी है कंपेरेटिवली टू पाकिस्तान। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर।